तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? बिस्सू की सबसे मजबूत बैटिंग ऑर्डर वाली टीम यानी कि भारतीय टीम एक बार बिखरती हुई नजर आई, जिसके दम पर भारतीय टीम विश्व कप जीतने का सपना देख रही थी। उसमें सुमन गिल, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी तांस के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आए। इसी रैंकिंग में नंबर वन पर रहने वाली इंडिया की टीम, जो कि सात नंबर पर वेस्टइंडीज मौजूद है, उससे भी हार गई। वो वेस्टइंडीज की टीम जिसने वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं किया है, जिसे छोटी छोटी टीमों ने हराया, उस वेस्टइंडीज की टीम ने भारत को धूल चटा दी। सवाल यह उठता है कि जिस बैटिंग लाइनअप के दम पर हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं और वही टीम आज इस तरीके से खेल रही है, तो क्या हम 2007 और 2011 की तरह वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं तेजवीर सिंह आप तक स्पोर्ट्स न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच हुए दूसरे T20 मैच के बारे में मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे एक सवाल भी करता हूं कि जिस तरीके से इंडिया की टीम इस समय खेल रही है, क्या इंडिया की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल तक भी पहुंच पाएगी या नहीं? अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, जिससे कि मैं आपको इस तरीके की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहूं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के मैच की। सबसे पहले इंडिया टीम ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और उसका बल्लेबाजी करने का फैसला उस समय बिल्कुल बेकार साबित हो गया, खराब साबित हो गया, जब पहले सलामी बल्लेबाज सुमन गिल जल्दी ही आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए, और टेस्ट मैच में फेल होने वाले, वनडे में फेल होने वाले सुमन गिल T20 में भी फेल होते हुए नजर आए। आज ईशान किशन ने एक छोटी लेकिन तेज पारी खेली, उनका साथ कोई भी खिलाड़ी न दे सका, लेकिन भला हो तिलक वर्मा का, जिन्होंने पहले T20 मैच में एक ताबड़तोड़ बैटिंग की थी, आज एक अर्धशतकीय पारी खेली और इंडिया के टीम को सम्मान स्कोर तक पहुंचाने में मदद की, और भारत ने वेस्टइंडीज को जीतने के लिए 153 रन का लक्ष्य रखा। मैं भारतीय बल्लेबाजों की बैटिंग की बात करता हूं तो आज तिलक वर्मा सबसे टॉप स्कोरर रहे। तिलक वर्मा के बाद ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने थोड़ी सी अच्छी बल्लेबाजी की, उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी न कर सका। 153 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम की शुरुआत भी बेहद खराब रही और उसके भी बल्लेबाज जल्दी पवेलियन वापस लौट गए, लेकिन पहले T20 के सफल बल्लेबाज निकोलस पूरन ने एक बार फिर दूसरे T20 में भी बेहतरीन पारी खेली और उन्होंने इंडिया के किसी भी बॉलर को मौका न दिया। उन्होंने 62 रन की एक बहुत तेज तरह पारी खेली। जब निकोलस पूरन खेल रहे थे तब कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि भारतीय टीम इस मैच को जीत जाएगी। हर व्यक्ति शॉक था, हर व्यक्ति को ये उम्मीद हो गई थी कि भारतीय टीम इस मैच को भी नहीं जीत पाएगी, लेकिन ताज्जुब की बात यह है, कहने की बात यह है कि जिस बैटिंग लाइनअप के दम पर इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीतना चाहती है, उसी टीम को वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 में भी रौन डाला है। भारतीय फैंस नाराज हैं और बस यही कहे जा रहे हैं, उनको उम्मीद हो गया है कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन भी कुछ इसी तरीके से रहने वाला है और उनसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज के मैच की पूरी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और तीसरे T20 के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तब तक आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर करना न भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।